लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिन और जैंग के बीच में फाइट होती है और उसके बाद लास्ट में जैंग कहीं बाहर जा रहा होता है और फिर मॉन्क की एक शैडो से फाइट होती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस शैडो का नाम डुक्सी फैन है और डुक्सी फैन और ओल्ड गुली के बीच में फाइट चल रही होती है। फिर डुक्सी फैन अपनी ब्लू थंडर ताइवान टेक्निक का यूज करके रेन करना शुरू कर देता है जिसपे गुली थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये किंगयून गेट को हार्म कर सकता था। और तभी हम जैंग को देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है और इधर गुली इस बात को लेके परेशान थे कि ये पावर ऑफ टॉयसन किंगयून गेट को काफी ज्यादा हार्म कर देगी। तभी डुक्सी उनके ऊपर अटैक कर देता है तो गुली बुद्धा कंप्रेशन का यूज करके अपने चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं और उसके अंदर से इतनी हाई एनर्जी निकलती है कि डुक्सी और जैंग पीछे जाकर गिर जाते हैं। फिर डुक्सी कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब गुली बच्चों को उठा के एक प्लेस में रख देते हैं और साथ ही उन्हें आगे के लिए ब्लेसिंग देते हैं कि ये हमेशा आगे बढ़े और हमेशा बुद्धिज्म और टॉयसन का साथ दे और फिर वो उनके लिए प्रेयर करने लगते हैं और उसके बाद जैंग को उठा के उसके पीठ पर बर्न टेक्निक का यूज करते हैं। तो जैंग पहले तो डर जाता है तो गुली उसे बताते हैं डरो मत मैं बस तुम्हें हील कर रहा हूँ इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और साथ ही वो कहते हैं कि अपने दोस्त की फिक्र मत करो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और थोड़ी ही देर में होश में भी आ जाएगा। और गुली जैंग से पूछता है कि यहाँ इतना रेन हो रहा है तुम्हारी फैमिली यहाँ क्यों रहने आ गई तुम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ इस समय काफी ज्यादा खतरा होता है और अगर रहने आई भी तो तुम्हें रात को अकेला कैसे भेज दिया। तो जैंग कहता है मैं कुछ खाने का सामान लाने बाजार आया था और उसके बाद गुली उसे ठीक कर देता है और उसके लिए फिर से प्रेयर करने लगता है और उसके बाद वो जैंग से कहता है कि सब पहले से ही फिक्स है जो होना है वो तो होके रहेगा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है पर हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद जैंग उसकी बात को बैठकर ध्यान से सुनने लगता है तो गुली उससे कहता है कि क्या तुम ये सब सीखना चाहते हो ये धर्मा प्रैक्टिस है और इसमें कभी भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा हो सकता है ये लाइफ का सच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे स्ट्रांग बनोगे। और साथ ही वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे मुझसे प्रॉमिस करो। तो जैंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगा और उसके बाद गुली उससे कहते हैं कि तुम्हें पूरे दिन में एक बार जरूर प्रैक्टिस करना होगा पर इस बात का ध्यान रहे कि तुम इसे किसी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो और साथ ही ये भी याद रखना कि इसकी प्रैक्टिस हमेशा रात को करना होगा और डेड बॉडीज के पास करना होगा। तो जैंग कहता है ठीक है मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। उसके बाद गुली कहता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम इस टेक्निक का यूज ऐसे कहीं भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद गुली उसे बताते हैं कि वो 3 दिनों में मरने वाले हैं और अगर फ्यूचर में उसे कोई खतरा हुआ या उसे कोई वियर्ड इंसान मिला तो तुम उसे कह देना कि मैंने तुम्हें उससे यहाँ ढूंढने को भेजा था। और उसके बाद वो जैंग को एक बीट देते हैं और कहते हैं कि इसे स्केट वैली में जाके फेंक देना और अभी जो मैंने तुम्हें बताया है उसे याद रखना वरना ये तुम्हारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। और साथ ही ये भी याद रखना कि बाहरी लोगों से बात मत करना। आगे वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं दोबारा तुमसे मिलूंगा या नहीं इसलिए मैं तुम्हें अभी ही ये तीनों हेड्स दे रहा हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जैंग उन्हें बैठ के थैंक यू कहता है तो गुली उसे अच्छे से प्रैक्टिस करने को कहते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जैंग के फ्रेंड को देखते हैं जिसकी आंखें अब खुल जाती हैं और वो खुद को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी चीजों को बहुत डरकर देख रहा होता है। और तभी वो जैंग के पास जाके उसे उठाने लगता है तो वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है मास्टर मास्टर। तो उसका दोस्त कहता है कौन मास्टर तुम ठीक तो हो और मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ कैसे आ गए क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कल रात को मैं घर पे सो रहा था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम्हें कुछ पता है और यहाँ काफी ज्यादा ठंड भी हो रही है चलो घर वापस चलते हैं। तो जैंग कहता है तुम यही रुको मैं अभी आता हूँ और वो जाने लगता है तो उसका दोस्त उसे रोकता है और कहता है तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है। और तभी वो दोनों वैंग को वहाँ देखते हैं और उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं अंकल वैंग आप यहाँ पे कैसे। तो वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। और फिर जैंग थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो लोग भागते हुए पूरे गांव में देखते हैं तो वहां पर चारों तरफ लाश ही लाश होती है।